एसईसी अकेडमी का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम रहा शत प्रतिशत। जी हां, अयोध्या में एसईसी अकेडमी जनौरा बाईपास सीआईएससीई बोर्ड द्वारा जिले का प्रथम मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां पर परीक्षा परिणाम आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। यहां का परीक्षा फल शत प्रतिशत रहा। आईसीएसई कक्षा 10 में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं, जिसमें हिंदी विषय में अंशवीर, कुशल सिंह, तनिष्क, शिवांश ने 99%, शिवांश ने गणित विषय में 94%, मानसी यादव ने अंग्रेजी विषय में 89% और कौशल सिंह ने विज्ञान विषय में 92%, तन्मय जैन ने कंप्यूटर में 96% और अंशवीर ने फिजिकल एजुकेशन में 98% और प्रियम जसवाल ने कॉमर्स में 96% अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार आईसीएसई कक्षा 12 में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं में हिंदी विषय में कृष्णा सोनकर 99%, गणित विषय में गौरांगना और कृष्णा सोनकर ने 94%, फिजिक्स विषय में संजना ने 92%, फिजिकल एजुकेशन विषय में हसान हफीज ने 92% अंक प्राप्त किए। वहीं आईसीएसई कक्षा 10 में टॉप 10 छात्रों की सूची, इसमें अंशवीर श्रीवास्तव 94%, कुशल सिंह 93%, मानसवी यादव 92%, शिवांश चंद्र शर्मा 91%, तनिष्क त्रिपाठी 88%, तन्मय जैन 87%, प्रियम जायसवाल 86%, स्वास्तिक मेहरात्रा 86% और आनंदी यादव 85%, आराज सिंह 85% रहे। आईसीएसई कक्षा 12 में टॉप 10 छात्रों की सूची, जिसमें संजना चतुर्वेदी कक्षा 12 में 88%, अनिंद तिवारी 88% और उत्कृष्ट गुप्ता 87%, शयान हफीज 87%, मानस जायसवाल 83%, कृष्णा सोनकर 83%, राज पटेल 80% और वर्तिका जायसवाल 80%, स्नेहा पांडे 80% और सानिया गुप्ता 77% अंक प्राप्त किए। परीक्षा परिणाम आने के बाद सीजी अकेडमी में स्कूल प्रबंधक, शिक्षक, शिक्षिकाओं और विद्यालय में विद्यार्थियों में खुशी की लहर छा गई। स्कूल के अध्यक्ष श्रीमती मंजुला जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती शिक्षा जैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमेश जैन, प्रधानाचार्य दिलीप कुमार गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी अशोक तिवारी, स्कूल समन्वय शिप्रा मेहरोत्रा, लेखाकार राजेंद्र श्रीवास्तव और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और भविष्य में उच्च स्थानों पर योग्यतानुसार स्थान प्राप्त कर माता पिता के नाम को रोशन करने के लिए प्रेरित भी किया। हाईस्कूल की परीक्षा में अंशवीर श्रीवास्तव और इंटरमीडिएट की परीक्षा में संजना चतुर्वेदी टॉपर बने और कुशल सिंह हाईस्कूल और अनिंद तिवारी इंटरमीडिएट दूसरे स्थान पर रहे। उत्कृष्ट गुप्ता इंटरमीडिएट में और मानसवी हाईस्कूल में तीसरे स्थान पर जिले में टॉपर बने। सेटिस्फैक्ट्री रहा, बच्चों ने जिस हिसाब से मेहनत की थी उसको रिजल्ट भी उनको उसी हिसाब से मिला और हमारे बच्चों ने जो मैक्सिमम मार्क्स पर जो परसेंटेज रहा है बच्चों का वो 88 समथिंग रहा है इंटर में। और सर हमारे स्कूल में जो 90 एवव रहे हैं वो कम से कम पाँच से छः बच्चे जो है वो 90 एवव प्लस में रहे हैं। उज्जवल भविष्य के लिए कहेंगे अच्छे से पढ़ाई करें और आने वाले बैच से भी मैं यही कहूंगा निरंतर कि वो अच्छे से अच्छे मेहनत करें और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन का जो रिजल्ट है वो और अच्छा दें। अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास तो पहले यही रहेगा कि बच्चे हमारे डिसिप्लिन में रहें और डिसिप्लिन के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा जो हम उनको दे रहे हैं वो निरंतर उसको ग्रहण करते रहें। सिर्फ यही मैसेज है, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। कमजोर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था? कमजोर बच्चों के लिए यही व्यवस्था है कि आफ्टर स्कूल हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देने की भी कोशिश करते हैं। प्लस कमजोर बच्चे कमजोर नहीं होते हैं, एक्चुअली उनको मॉरली बूस्ट करने की जरूरत होती है, जिसके लिए कि हमारे यहाँ काउंसलिंग की क्लासेस भी चलती हैं वीकली। तो जिन बच्चों को कहीं से किसी तरह की एंजाइटी या एजिटेशन की प्रॉब्लम होती है तो उनकी हम काउंसलिंग भी करवाते हैं, जो हमारे यहाँ पे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू। दिलीप कुमार गुप्ता मेरा नाम है, मैं एससीजे में एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ।